हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उन सभी के पास में बी ए प्रोग्राम का कोर्स है और आप सभी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। एज यू नो, आप सभी की जो एग्जाम्स की डेट शीट है वो आ चुकी है और आप सभी की जो पीसीपी क्लासेस है वो बिल्कुल अरेंज करवा दी गई है और आप लोगों के लिए अलग अलग दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कोई ईस्ट दिल्ली में रहता है, कोई वेस्ट में, कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में, तो आप सभी के जो नियरेस्ट कॉलेज है वहाँ पर आप सभी की जो पीसीपी क्लासेस चल रही है। पीसीपी क्लासेस को लेकर दो दिक्कत आ रही है। बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर क्लासेस जाना कंपलसरी है? तो क्लासेस जाना मोनिटरी या कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर जा सकते हो तो आप जा सकते हैं, आप नहीं जाना चाहते तो आप ना जाएं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप सीधा एग्ज़ाम देने भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, ये विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसमें आंसर्स लॉन्ग लिखने होते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर चाहिए क्योंकि स्कूलिंग लाइफ से थोड़ा सा अलग होता है। तो वहाँ पर आपको क्लासेस लेनी चाहिए और क्लासेस के अंदर एक ये भी है कि कई बच्चे जैसे उनके घर के आसपास, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट का है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज है जो कि मे बी पॉसिबल है ये खजूरी से आगे पढ़ता है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज जैसे आपके घर से दूर पढ़ता है या आपके और भी जो दोस्त हैं उनका सेंटर अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा है। तो आप लोग सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, आपके घर के या नियर बाई जो भी कॉलेज है आप वहाँ पर आपके जो कोर्स की आप कोर्स का ध्यान रखना है। अगर आपके कोर्स की क्लासेस लग रही है तो आप वहाँ पर जाकर अपनी क्लासेस ले सकते हैं, अन्यथा आप अपने मित्रों के साथ में आप नॉर्थ कैंपस आना चाहें, बस वहाँ पर देखना ही आपको उस कॉलेजेस के अंदर आपकी क्लासेस लग रही है कि नहीं, आप वहाँ पर अपनी क्लासेस ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर कोई कॉलेज ऐसा है कि जो बॉयज़ के लिए अलर्ट हुआ है या मेल कैंडिडेट्स के लिए अलर्ट हुआ है तो मेल कैंडिडेट ही वहाँ पर क्लासेस लेंगे, अगर फीमेल्स के लिए हुआ है, लड़कियों के लिए हुआ है तो वहाँ पर लड़कियाँ ही लेंगी। ऐसा भी होता है कि कई जगहों पर कंबाइन क्लासेस लगती है, तो जैसे जैसे अभी एक सेंटर आप सभी के लिए यहाँ पर डायरेक्टली मैं दिखा सकता हूँ, ये गर्ल का एक जो फीमेल कैंडिडेट का है उसके कॉलेज है कि भाई यहाँ पर आप अपने क्लासेस जो है वो ले सकते हो। तो अगर आप लोगों के पास अभी मैसेज नहीं आया है तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस कॉलेज में जाकर या आप लोगों को जहाँ चलता है कि भाई इस कॉलेज में क्लासेस चल रही है तो वहां पर आप जाकर देख सकते हो। बाकी नॉर्थ कैंपस में आप जाओगे तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आप देखोगे वहां पर आपके क्लासेस के लिए क्या होता है कि एक पेपर लगा दिया जाता है जिसपे आपकी कब कब क्लासेस है, किस किस कॉलेजेस में क्लासेस है, वो डायरेक्टली क्लियरली मेंशन होता है, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी हमारे पास में वो लिस्ट आती है तो आप सभी के लिए वो वीडियो में अवेल करवा दिए देंगे। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।